एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपने बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते हुए देखा। शेर को मजे से सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। अरे, ये शेर तो कितनी आराम से सो रहा है, चलो इसको परेशान करते हैं। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की? आज तो तुम गए, आज तो मैं तुम्हें अपना नाश्ता बनाऊंगा। और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा पूरी तरह डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा। शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। अच्छा, तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला, मुझे माफ कर दीजिए शेर जी, और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ की आवाज सुनी और वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहे अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना।